झाबुआ जिले में ग्राम पंचायत गेलर छोटी में सचिव सरपंच की मिलीभगत से बड़ा घोटाला सामने आया है। मात्र कागजों पर ही निर्माण कार्य किया गया है और फर्जी बिल लगाकर सारे पैसे निकाल लिए गए। ग्राम पंचायत गेलर छोटी के निवासीगण जनप्रतिनिधियों पंचों द्वारा सरपंच सचिव के विरुद्ध निर्माण कार्य को लेकर बड़े घोटाले के संबंध में उचित कार्यवाही करने हेतु आज जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। क्या कारण रहा आज आपको ज्ञापन देना आना पड़ा? हम गेलर छोटी पंचायत से आए हैं। मेरा नाम दिलीप बसुनिया है। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे गांव में हमने रोड के बारे में पंचायती दर्पण के तौर पे हमने देखा कि हमारा रोड यहाँ पाटला फलिया वाला बन गया, पुलिया बन गया। तो हमने मंत्री और सरपंच से बात करी कि यह अपना निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। उसने बोला कि तुमको जो करना वो कर लो, इसलिए हम यहाँ पे कलेक्टर पे ज्ञापन देने इसलिए आए कि हमारे सचिव को यहाँ हमारे सचिव को हटाया जाए तत्काल प्रभाव से। उसके बाद में हमारे ग्राम अपने सरपंच जी को तत्काल प्रभाव से 420 के मुकदमा काम दर्ज किया जाए, यही हमारी मांग है। अच्छा, आपका यह कहना है कि आपके पंचायत में जो धरातल पे रोड बनना था वो बने नहीं? हाँ। और सिर्फ कागज पे बना जी? हाँ, इसके लिए तुम सारे जितने भी गांव के लोग है विरोध में आए हैं ना? हाँ, विरोध में। हाँ, इसलिए। अच्छा, ठीक है। ऐसा कितना काम है जो धरातल पे बना नहीं और कागज पे बन गया और जो फर्जी बिल बना के निकाल लिया? ऐसे करीबन 20-25 लाख का घोटाला है हमारी पंचायत में, पूरी पंचायत में 20-25 लाख का घोटाला है। अच्छा, इस कार्य को कितने लोगों ने अंजाम दिया? इस कार्य को करीबन हमारे पूरे गेलर पंचायत से आए हैं और प्लस उसका कासला और जेर, तीन गांव के लोग आए हैं यहां पे ज्ञापन लेके। अच्छा, तो इस आवेदन में आपने किसको माना कि सरपंच की गलती है, सचिव की गलती है या सहायक रोजगार सहायक की गलती है? यह सामूहिक गलती के तौर पर लाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।